में हम लोग रुके थे। हम लोग अभी जा रहे हैं दौलताबाद फोर्ट, और आप हमारे पीछे देखिए, मेरे को पता है कैमरे में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, बट ये इतना अमेजिंग व्यू है क्योंकि यहाँ बारिश आ रही है, और बारिश के पीछे वो जो क्लाउड्स के बीच में जो माउंटेन दिख रहा है वो बहुत ही अमेजिंग व्यू है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना सुंदर लग रहा है, बट अमेजिंग। सो फाइनली अभी अक्षय गाड़ी चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग एकदम टॉप पॉइंट पे आ गए, जो कि दौलताबाद फोर्ट का जो व्यू पॉइंट है उसके भी सामने आ गए थे हम लोग। थोड़ा सा मतलब बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ से देखने के लिए, सो इस वजह से हम लोग थोड़ा सामने आ गए थे, और यहाँ से अभी अक्षय ड्राइव करेगा नीचे तक, एंड देन जब हमारा दौलताबाद फोर्ट देख के हो जाएगा हम वहाँ से फिर कैरी ऑन करेंगे एलोरा के लिए। बट जो ये व्यू है, जो मैंने सोचा था इससे भी ज़्यादा मतलब बहुत ही अमेजिंग व्यू है, और ऊपर से जो रिमझिम बारिश आई है उसने तो समा बांध दिया है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल वर्ल्ड विद आदि, आई एम आदित्य बारेगे, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश ब्लॉग में। ये नजारा इतना सुंदर लग रहा है, ये दौलताबाद व्यू पॉइंट है ये सामने, और इसी के सामने आप आओगे तो आपको इस प्लेस मिलेगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं वहाँ पे नहीं गया, बट ये जो व्यू है, ये हमारे रूम से हमें ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर के आसपास पड़ा है, और यहाँ आना बिल्कुल ही वर्थ है। और जो वेदर हमें मिला है, एक मिस्ट मतलब जो एकदम हल्की हल्की धीमी धीमी सी बारिश हो रही थी, और उसकी वजह से जो बाइक राइड करने में मज़ा आ रहा था बहुत ही बढ़िया। ये जो आप यहाँ पर लोग देख रहे हो, ये एक्चुअल में दौलताबाद व्यू पॉइंट है, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक रैंडम यहाँ से जा रहे थे हम, ये इतना ज़बरदस्त यहाँ से व्यू आ रहा है क्योंकि ये सबसे टॉप पे है, इस वजह से ये जो पूरा व्यू देखने मिल रहा है ये बहुत ही बढ़िया है। ये जो मतलब लॉकडाउन में जितनी भी थकावट थी, मतलब जो भी फ्रस्ट्रेशन था, वो यहाँ आके इतना बढ़िया लग रहा है। मतलब मैं बता रहा हूँ, औरंगाबाद मेरे दिमाग में ऐसा था कि बीबी का मकबरा, उसके बाद अजंता केव्स, मैंने अजंता केव्स जब बहुत छोटा था तब देखे थे, बट ये जो व्यू है ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और जो वेदर कंडीशन के साथ, और जो अभी देख कुछ दिनों पहले से बारिश हो रही है, उस वजह से पूरी हर जगह ग्रीनरी है, सो उसके वजह से जो मतलब एक निखर सा आ रहा है वो हर एक स्पॉट वहाँ पे देख, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, छोटा सा वाटरफॉल है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे दौलताबाद फोर्ट पर, हम लोग ट्राई कर रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा, एक बीच में एक पहाड़ी है जहाँ पे दौलताबाद फोर्ट ऊपर बना हुआ है और नीचे भी है। अभी एग्जैक्टली मैं पता नहीं है कि नीचे से ऊपर पैदल जाना पड़ता है, ऊपर गाड़ी जाती है, जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। ये वाला जो रास्ता है इतना सुंदर लग रहा है, ये एक साइड से पूरा पानी गिरता है तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। इवेंचुअली हम लोग जब आए तब धीरे धीरे बारिश की वजह से यहाँ पे इतना कुछ ऐसा अलग सा नज़ारा तो नहीं देखने मिला, बट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, मैं जो बात कर रहा था, ये गढ़ है ऊपर और ये दौलताबाद फोर्ट है, बट यहाँ पे जाते कैसे इसका रास्ता मुझे नहीं पता। हम लोग को पहले लगा था कि ये वाला जो हम लोग ऊपर जाके आए थे इधर से कोई वे निकल के आया हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, बट देखते हैं कोई नीचे से वगैरह वे मिलता है क्या। सो फाइनली हम लोग दौलताबाद फोर्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे साइड जो फोर्ट है वही जाना अलाउड है, जो आप ये पीछे अगर देख पा रहे होगे तो वहाँ अलाउड नहीं कर रहे जाने के लिए। वैसे हम लोग ट्रैक करने के लिए भी तैयार है, बट अलाउड ही नहीं है तो हम जाएंगे कैसे। सो यहाँ का अंदर का परिसर इतना सुंदर है, यहाँ पे लोग होने की वजह से मास्क नहीं उतारूंगा मैं, बट आप देख सकते हो पीछे इतना सुंदर बनाया है, यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, और जो यहाँ पे केयर किया गया है क्लीनलीनेस का वो बहुत ही अच्छा है, बहुत रेयर फोर्ट्स में देखा जाता है ये। सो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये गेट है जो एंट्री गेट है, और जहाँ पीछे वहाँ पे टिकट निकालनी पड़ती है आपको, और टिकट निकालो यहाँ पे 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, और अगर आप कैमरा ला रहे हो तो 25 पर कैमरे के हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। मोबाइल कैमरे पे शूटिंग अलाउड है, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, इस वजह से हमें चार्जेस कोई नहीं लगे। और बहुत ही खूबसूरत, मतलब एंट्री से पहले जो इन लोगों ने ग्रीनरी बना के रखी है, मेनटेन की है, और उसके बाद जो क्लीनलीनेस है आप देख सकते हो, ये पीछे
पेड़ है और ये पेड़ के मतलब 1% भी आसपास की कचरा नहीं है, पत्तियां भी गिरी हुई नहीं है, मतलब यहाँ पे क्लीनर्स का काम रेगुलर बेसिस पे होता, सो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। अभी वहाँ पे भीड़ है जैसे कि आप देख सकते हो पीछे, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा रुके हैं, जैसे ही वहाँ से भीड़ कम हो जाती है हम लोग एंट्री कर लेंगे। अमेजिंग प्लेस। यहाँ पे जैसी हवा आ रही है इसके नीचे पानी गिर रहा है, बिकॉज ये बहुत ही क्लोज पत्ती वाला पेड़ है, इस वजह से यहाँ पे पानी जमा हुआ है और जैसी हवा आती है पानी पूरा नीचे गिर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ पे गिरा हुआ है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, अभी तक एंट्री नहीं की बट अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। मतलब मैंने इतने सारे फोर्ट्स देखे, अक्षय ने भी देखा, अक्षय सैलम भी गया वहाँ के फोर्ट्स देखे, बट क्लीनिनेस का जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है इतना बहुत रेयर फोर्ट्स में देखा जाता है, और जैसे देख सकते हो आप पूरा मेंटेन किया हुआ है गार्डन को भी। यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि टिकट लेने के बाद जब आप अंदर एंट्री करोगे, एंट्री करने से पहले यहाँ पे जो जगह बनाई गई है, जैसे ये एंट्री गेट है, इसके बीच में अगर आपको थोड़ा सा फोटोज़ लेना है या फिर रूम करना है तो आप यहाँ पे घूम सकते हो, फिर आप एंट्री ले सकते हो। टिकट्स मिलती है और टिकट्स यहाँ पे चेक होगी पहले। सो द बेस्ट पार्ट इज कि जैसे आप एंट्री लोगे आपके पास अगर वाटर बॉटल्स या फिर प्लास्टिक का कोई भी इक्विपमेंट है जो आप फेंक सकते हो, जो कि आप मतलब यूज़ एंड थ्रो के यूज़ करते हो, तो वो इस पे यहाँ पे 20 रुपीज़ दे के एक स्टिकर खरीदना पड़ेगा आपको, और वो 20 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगे जब आप आते वक्त वो स्टिकर यहाँ पे मतलब वो बॉटल जो है वो दिखाओगे, तो आपको 20 रुपीज़ रिफंडेबल अमाउंट है। सो ग्रेट इनिशिएटिव है क्योंकि इसी वजह से कचरा यहाँ पे कोई नहीं करता है। कुछ इस काइंड का स्टिकर दिखता है। हाँ, हमारे पास एक वाटर बॉटल थी, इस वजह से हमने उस पर टैग लगा दिए, क्योंकि हो सकता है धूप होने की वजह से डिहाइड्रेट ना हो, इस वजह से पानी साथ में लिया करो। सो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग केज बनाए गए हैं और उसके अंदर हर एक टोप या फिर इक्विपमेंट जो उस टाइम पे यूज़ हुआ करते थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई, और जो भी इक्विपमेंट रखा गया है उसके पीछे उसकी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि वो ऐसे ही कहाँ लोकेट हुआ है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से उसको लाया गया था। सो दिस इज़ द सेकेंड गेट, आप पीछे देख सकते हो जहाँ से माया वो वाला था, एंड दिस इज़ मोर बिगर दैन प्रीवियस वन। और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये लगती है कि ये देखिए आप, ये इतने बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए हैं जो उस टाइम पे एकदम यूनिक लगते होंगे। यहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप एकदम ब्रेड टेकिंग आपको व्यूज़ देखने मिलेंगे, और इतने ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे कि मतलब एक सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे जो क्लीननेस की वजह से जो भी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं वो एकदम बरकरार है और वो उतनी ही खूबसूरती से देखने मिल रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो ये इतना मतलब यहाँ पे ट्रीज़ भी बहुत सारे होने के बाद भी यहाँ पे क्लीननेस का पूरा ध्यान दिया गया है, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे सामने बहुत ही बड़ा टोम्ब बना हुआ है, वो किस बात का है यह हमें नहीं पता, बट वो इतना ह्यूज है कि जब आप मेन हाईवे पे होते हो वहाँ से भी आपको विजिबल होता है। एक्सप्लोर करके हो गया, ऊपर जाने का रास्ता भी फिलहाल बंद है क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इस वजह से सामने जाना बंद है। ऑल दो साइड से एक छोटा सा रास्ता है बट वो एक्सप्लोर करके हमको एलोरा के लिए लेट करना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लग रहा है, इस वजह से अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉप लेंगे एलोरा पे।